ये कि इनको खाना नहीं मिलेगा, ना इनको घर में एंट्री मिलेगी, ना इनका व्लॉग अच्छा आएगा। यार। ओ शिट, फुल हैवी किस्म की खड्डे में लगी है और जी तबाहो बर्बाद हो गया काम। ओए नवी कटीली लिए, ओए ये क्या रानिया साहब, ऑल इन वन, ऑल थ्री इन वन फ्रेम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग। उससे पहले आपका भाई जरा जामे श्री पीरा और ये ना समझना कि आपके भाई का रोजा नहीं है, रोजा है लेकिन इफ्तारी से पहले, इफ्तारी के बाद का टाइम है। अब टाइम बज गए हैं कोई 8 बज गए हैं और आज के प्लान कुछ ऐसे हैं। घर में देख के आप समझ गए होंगे कि जब आपका भाई घर में ब्लॉग शुरू करता है और कौन तशरीफ लेके आता है ब्लॉग में। क्या कर गया ये? लग नहीं रहा मुंह धो के। कुछ आज के ऐसे हैं कि आप लोगों ने आप लोगों ने अपने भाई को पिसवाया, खत्म, बाय बाय। इसने चुन चुन के कमेंट देखे थे, इसने चुन चुन के कमेंट देखे थे, तब की जान खा रही कि यस यस के कमेंट आ गए यार। अब तो बोल क्या करना है, वही करना जो कहा था। लेकिन इस व्लॉग में नहीं, वो पूरा फिर घर, इस व्लॉग में नहीं, अभी तो मैंने बाहर भी जाना है, संडे है और जरा डिनर है कहीं पर। इससे नेक्स्ट व्लॉग में नहीं हो सकते, इससे नेक्स्ट व्लॉग में भी ना हो, लेकिन इंशाल्लाह होगा। उसके लिए फिर मुझे सारा दिन घर में रहना पड़ेगा, घर में रह के फिर लेकिन कैद नहीं, आपने गेस्ट किया तो इंशाल्लाह ये वाला व्लॉग भी आ जाएगा। तो जी रात को सीन कुछ ऐसे हुआ था, पुलिस वाला भी सीन हुआ था, मजा आया था, चिल हुआ था, मजा आया। और उसके बाद नीमो में जो फॉल्ट आया था वो आपके भाई ने अभी तक चला रहा है। वैसे कल भी मैं रात को भी आया, वापस कल भी आया, अभी तक वो ग्रिप दोबारा नहीं हिली, लेकिन चेक करवाते हैं। उससे पहले ये मैडम तशरीफ लाई हैं। मैंने आप सबसे एक ज़रूरी बात करनी थी, मैं कुछ सोच रहा हूँ कि अगले व्लॉगों में मैं जैनू को ना लेके आया करूँ। ठीक है, ठीक है, क्या ठीक है, क्या ठीक है? मुंह बन गया, मजाक कर रहा हूँ। अगर आपका भाई व्लॉग नहीं, आपका भाई व्लॉग बनाने शुरू किए हैं तो इसकी वजह से, इसने जान खाई होती थी व्लॉग बनाओ व्लॉग बनाओ व्लॉग बनाओ। आपके भाई को वैसे था नहीं, लेकिन इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा बढ़ गया और बस अब इसी तरह व्लॉग श्लॉग आया करेंगे। और आज की कुछ खास बात ये है कि व्लॉग ये बनेगी, तो अगर ये अब मुझे व्लॉग नहीं बनाने देंगे तो इनके साथ वही होगा जो आप लोग सोच रहे होंगे और जो मैं सोच रही हूँ, ये कि इनको खाना नहीं मिलेगा, ना इनको घर में एंट्री मिलेगी, ना इनका व्लॉग अच्छा आएगा। यार नहीं, एंट्री नहीं मिलेगी तो क्या, फिर मैं घर से बाहर आ लूंगा, मेरे पास एक और जगह रहने की। तो देखा कौन सी जगह है? है ना, बस है, मैं रह लूंगा, बाहर भी रह लूंगा, बाहर रहना मंजूर भी है मुझे, ठीक है, खाना भी नहीं खाऊंगा, खाना भी बाहर से खा लूंगा, लेकिन बस ठीक है। हाँ, और फिर अगर मैंने व्लॉग ही बंद करवा दिया सारा तो व्लॉग कैसे बंद होंगे, कैसे बंद? मैं जो पीछे वो ये है ना यूट्यूब वाले, उनसे कह दूंगी। क्या कहेगी उनसे? मैं उनसे यही कहूंगी कि जो है ना इनके व्लॉग अब आपने ज्यादा से ज्यादा बैन कर देने हैं, पूरा चैनल इनका ब्लॉग बैन वगैरह सब कुछ कर दें, और टिकटॉक से भी हर जगह से, और फिर कैसे बस मेरी दहशत, और मजे की बात इसकी आ रही है, सालगिरह आ रही है ना तेरी, इस ईद के जब भी है, डेट अभी नहीं बताएंगे ना, इसकी आ रही है सालगिरह, तो इंशाल्लाह सालगिरह वाले दिनों में आपका भाई होगा हुंजा और ये केली सालगिरह मनाएगी। तो फिर क्या होगा? फिर क्या मतलब, मैं तो हुंजा चले जाना ना ईद के दूसरे दिन, मैंने हुंजा चले जाना। तो जरूरी है जाना? क्या जरूरी है? हाँ ना जरूरी है। तो जी भाई जान स्यापे पै गए ने, आपके ने भाई ने बताया नहीं हुआ था घर में, बस मामा को कहा हुआ था कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन इसे नहीं बताया हुआ था कि हुंजा का प्लान है। तो फिलहाल सीन इज बैड, व्लॉग इज तबाह, ट्रिप इज ट्रिप प्लान आल्सो तबाह। इसका मुंह बना पड़ा हुआ है। अच्छा क्या है,
आपने आपके भाई ने गलती से ऐसे बता दिया कि इसकी सालगिरह पे हुंजा का प्लान है, तो अब ये इसने मेरी गाड़ी की चाबी भी पकड़ ली है और अभी 8 बज रहे हैं। हाँ टाइम दिखाता हूँ मैं, वेरी गुड, पूरे पूरे 8:30, 8 बजे का खाना था, जाना था, और फिलहाल चाबी इससे पकड़ ली आपके गाड़ी की और मुंह बना हुआ है इसका कि मैं इसकी सालगिरह पे नहीं आऊँगा। अच्छा अगर मैं कहता हूँ ठीक है सालगिरह पे आऊँगा तो फिर मिल जाएगी, तो अगर मेरे फिर अगर मैं उधर जाऊंगा तो फिर मैं व्लॉग शॉग बनाऊंगा, ट्रिप पे भी जाऊंगा, तेरे पता है सारे दिन दुकान पे थे ना, तो ट्रिप पे जाएंगे फिर व्लॉग भी बनेंगे, फिर तो आराम से देखेंगे भी व्लॉग भी देखेंगे। तो तू बता कमेंट पे पूछ ले यार, मेरी बात सुनो आप सारे, ट्रिप का सीन है ईद पे, आपको भी पता होगा ईद के 2nd डे और 5 दिन का ट्रिप है, हुंजा जा रहे हैं हम सब, उमर मैं काशेर ये वो सारे ना, और इसकी सालगिरह आ रही है उसी दिन, नहीं 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 सीक्रेट, हाँ सीक्रेट, उसी दिनों में इसकी सालगिरह आ रही है, और अब आपने बताना है आपने बताना है, पूछ ले कमेंट में पूछ लेते हैं, अगर उन्होंने कमेंट आ गए तो फिर सही है। हाँ फिर नहीं क्या, आप सबने यही कमेंट करना है कि नहीं जाना, क्योंकि फैमिली के साथ ही होती है ना बर्थडे, तो ना ही व्लॉग बनेगा ना आप लोग देखेंगे तो क्या फायदा था, तो फिर वो जो ट्रिप मिस होगा उसके व्लॉग भी तो मिस करेंगे ना। चलो यार फिलहाल ट्रिप पे तो जाते रहते हैं, हाँ जाते तो वैसे रहते हैं। चलो यार हम छोड़ देते हैं आपके लिए फैसला, आपने फैसला करना है, फिर आपके भाई का वही प्लान होगा फिलहाल, और फिर कमेंट पे कर दिया चलो गाड़ी की चाबी दे दो, अगर ना मिले क्या गाड़ी की चाबी देगी तो मैं बैठ जाऊंगा ना, मैंने खाने खाने जाना है, अभी तक फोन नहीं आया, वैसे फोन आएगा तो फिर जाना पड़ेगा, कह तो दिया कमेंट पे डाल देते हैं गाड़ी की चाबी दे दे। अच्छा ना दूं क्यों कह दिया ना मैंने कमेंट पे, तूने कहा ना, अब आप लोगों ने बताना है कि इनको जाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि मेरी बर्थडे है तो अब बस आपको पता लग गया है ईद के आगे पीछे है, आगे है पीछे तो नहीं, बस उसी दिनों में है ना, फिर अब आप लोग पे डिपेंड करता है कि आप लोगों ने क्या करना है। ठीक है यार डन हो गया, चाबी दे जाओ भाई, ओके। और ये सीन कुछ ऐसे है आपका भाई जी निमो शिमो लेके गाड़ी शाड़ी आज हमारी साफ थी माशाल्लाह से, आज ही बहुत बड़ा सीन होने लगा, सीन कुछ ये होने वाला है आपको मैं जाके बताता हूँ, बहुत बड़ा सीन है, मैं हूँ साथ उसामा है, बहुत बड़ी लड़ाई हुई है, इंशाल्लाह जाके दिखाते हैं अगर आपको भी लड़ाई क्या होनी है आज। तो जी रेगिस्तान में गाड़ी आ गई है फुल साफ सुथरी निमो थी, ये जो इंशाल्लाह कुछ देर बाद साफ सुथरी नहीं रहेगी होगी, उसकी वजह ये जो गुलबर्ग वाला अंडर पास है ये क्रॉस किया बस इंशाल्लाह मिट्टी। ओ शिट फुल हैवी किस्म की खड्डे में लगी है और जी तबाह बर्बाद हो गया काम, मिट्टी खड्डा था और पता ही नहीं चला खड्डा था, खड्डे में लग के टायर भी फट गया और जी रिम भी मोरी हो गया। तो जी फ्रेश अब निकलेगी स्टेपनी और जी खुलेगा वो, और माशाल्लाह से नट भी बहुत टायर्ड है, फुल टाइम खुल ही नहीं रहे, लो जी फुल टाइम गंदे हाथ कपड़े शपड़े बूट शूट बचा के रखे थे, फिलहाल स्टेपनी लग गई अब चलते हैं आगे। है ये सारी इतनी गाड़ियां हो खैर मुबारक हो नवी गड्डी ली लिए ओए ये क्या लाने साहब। तो जी हमें ज्वाइन कर लिया रेड आर एक्सेट रेक्सी फेरी आजकल नाम है उमर की इंशाल्लाह वेरी गोइंग यार, इसीलिए आपका भाई दुबई नहीं जाता माशाल्लाह से है हमने मंगा लिया रहता शायद डाइट पे है इंशाल्लाह जिसकी वजह से वो ज्यादा खाना नहीं खा सकता है, कुछ और भी पी सकता है उसके बाद रहता पी सकता है, और उसके बाद देख सकते हैं जैसा कि सारे आप नहीं यार वो गलती से हो गया
वैसे मैंने तो बेला घर में आग लगी पानी बुझाते बुझाते उधर भी आग लगी यार मेरे गुड गुड ना कहना कुत्ता यार मेरे गुड स्कैन करने हैं वैसे दुबई नहीं जा रहा मैं बड़ा मूल है घर फ्रेश फ्रेश रोटी वो नान वो इतना बड़ा नान कोई एक ही नहीं नहीं दो चार होगा साथ साथ लाएंगे खिलाओ हां वो खैर इतनी खुशी इतनी खुशी मुझे नहीं गोश्त नहीं बकरा ऑल इन वन ऑल थ्री इन वन फ्रेम वेरी गुड तो जी भाईजान सुबह सुबह बंदू खान के बाद जी चोर पकड़ लिया कुट शुट पै रही है मांडा शांडा पै रहा है भी नाल है पूरी पूरी फिल्म चल रही है आजकल आपके भाई को बड़ी वारदातें नजर आ रही हैं इस तरह की फिलहाल तो जी भाई जन सीन कुछ ऐसे आज के व्लॉग अद होने लगा खत्म आपका भाई थक गया और टाइम हो गया सुबह सुबह हो गई है तो जी इंशाल्लाह चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और जी चोरों से बच के रहें आजकल चोरियां शोरियां बहुत हो रही हैं आपके भाई ने कोई तीसरा चौथा वाकया देख लिया खैर अगर आप रात को घूमने वाले पंछी हैं तो अपना इंतजाम करें जैसा कि आपके भाई ने अपना इंतजाम किया आप समझदार हो पता चल गया होगा आपको लाइसेंस होल्डर यू नो वेरी वेल अल्लाह हाफिज़।